वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत कर रहा हूं आज के ये प्रोग्राम में। वेलकम 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 एवरीवन। तो जो मुझे पहचान देने हैं उनको सबको बताना है कि मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन उन्मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सबको म्यूट किया हुआ है। यस, तो सबका स्वागत है। प्रभाकर राव आकड़े हमारे दोस्त है, है ना? प्रभाकर राव आकड़े नमस्कार। ठीक है ना? ठीक है, ओके। हमारा जो टॉपिक है वो है अच्छी नींद के लिए टिप्स। ये आज का टॉपिक है। मैं पहले शुरू में कुछ सवाल लूंगा और थोड़े सवाल लेने के बाद में कुछ सवाल लूंगा मैं और कुछ सवाल के बाद में फिर हम करते हैं जवाब, सवाल जवाब। ठीक है ना? यस। तो जिसको पूछना है पूछ सकते हैं। प्रभाकर राव, प्रभाकर वाकड़े, यस पूछिए, आपको कुछ पूछना है बोलो बोलो। नमस्कार। हाँ हाँ, क्या करना चाहिए बराबर। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है कि कोरोना ने सबकी नींद खराब कर दिया है, कोरोना की वजह से, है ना? सबकी नींद खराब हो गई, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, है ना? वेलकम वेलकम। हाँ जी, सिंगापुर से आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? आपने ज्वाइन किया, वेरी गुड। डिवाइस से मैंने लॉग इन किया हुआ है, सेकंड डिवाइस से लॉग इन किया। हम चालू करते हैं आज के डॉक्स। सॉरी फॉर लेट, थोड़ा सा ये हमने एडजस्ट कर लिया। और एक डिवाइस से मैं लॉग इन हुआ हूँ, है ना? एक और डिवाइस से लॉग इन कर लिया मैंने। आपको देखना होगा ना, बिल्कुल कैसे देखेंगे। हाँ, तो नींद का जो है ना, सभी को प्रॉब्लम है नींद का। वे नींद कैसे अच्छी लेना चाहिए और वो भी बिना दवाई। आज क्या हो रहा है कि सभी को टेंशन है। मेरी आवाज आ रही सबको? तो यस बोल सकते हैं आप, आवाज आ रही मेरी? हाथ ऊपर कर सकते हैं यस करके। ओके यस, ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो लोगों को ये प्रॉब्लम है, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वे बिना दवाई के ही आना चाहिए। क्योंकि जब जब नींद का प्रॉब्लम किसी को आता है तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास में जाएंगे। डॉक्टर उनको देंगे कोई दवाई जिससे अच्छी नींद आ जाएंगी, और नींद आने के बाद में वो दवाई की फिर आदत लग जाती है। क्या होता है कि समझो मेरे को नींद नहीं आई, आज मैंने दवाई लिया नींद की, नींद आ गई, बाद में फिर कल ऐसा लगता है कि अभी नींद नहीं आएगी क्योंकि मैंने कल दवाई लिया था। फिर वो टेंशन में फिर नींद नहीं आती, फिर मैं और दवाई लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ऐसा करते करते वो दवाई की आदत लग जाती, दवाई की लत लग जाती। क्या होता है कि जो भी कोई नींद की दवाई है उसका आपको डोज जो है वो आपको बढ़ाना पड़ता है 3 हफ्ते के बाद। 3 हफ्ते के बाद में बढ़ाना क्यों पड़ता है? क्योंकि 3 हफ्ते के बाद में शरीर का अपना एक रेजिस्टेंस हो जाता है या उसको एक एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है। वो दवाई अभी काम नहीं करती, वो दवाई उतनी काम करनी है। तो फिर आपको 1.25 गुना, मतलब 1.1 मिलीग्राम की दवाई आप ले रहे हो तो 1 मिलीग्राम से भी काम होगा नहीं, 1.25 मिलीग्राम अभी दवाई लेनी पड़ेगी, 1.25 मिलीग्राम। क्योंकि पहले 1 मिलीग्राम काम कर रही थी, अभी 1.25 मिलीग्राम गोली लेनी पड़ेगी। और फिर 3 हफ्ते के बाद में क्या होगा, फिर 3 हफ्ते के बाद में आपको 1.5 मिलीग्राम गोली लेनी पड़ेगी। मतलब अपना जो ब्रेन है वो ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाता है, और फिर एडजस्ट होने के बाद में ज़्यादा दवाई मांगता है वो नींद आने के लिए। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि भाई बिना दवाई का नींद आना चाहिए। क्या होता है, कोई भी मानसिक बीमारी रहे, कोई भी मानसिक बीमारी है तो सबसे पहले प्रॉब्लम आता है नींद का, नींद नहीं आती लोगों। एक तो खाना चले जाता है, भूख लगती नहीं है, या फिर भूख ज़्यादा लगती है, दोनों में से कुछ होता है। और नहीं तो फिर नींद नहीं आती, या फिर नींद ज़्यादा लगने लगती। मतलब नींद और भूख, ये दो प्रॉब्लम है कि जो आपको पहले मानसिक बीमारी में दिखते हैं। तो जैसे ही नींद का प्रॉब्लम आ गया तो समझना चाहिए कि उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि नींद नहीं आना ये कोई दूसरे बीमारी का लक्षण है। नींद नहीं आती मतलब कुछ तो भी अलग बीमारी है बॉडी में, और वो बीमारी का लक्षण है नींद नहीं आना। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फिर बीमारी कौन सी है, फिर हमको नींद नहीं आ रही तो
तो वो ढूंढना पड़ेगा कि हमको बीमारी है कौन सी कि जिसकी वजह से हमको नींद नहीं आ रही, ठीक है ना। तो प्रभाकर राव आंकड़े, आपने जो सवाल पूछा कि भाई अच्छी नींद आना चाहिए, उसके लिए आपको मैं बताऊंगा। और किसी का सवाल है कुछ? यस राजेंद्र, हाँ यस बोलिए। कई साल हो गए नींद आ रही, ठीक है ना। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। और बताइए, और किसी को? हाँ यस, ना एकदम तो बोलूँ, तू अनम्यूट ना बोल देगा ना। यस ब्रिजेश अग्रवाल जी, ब्रिजेश अग्रवाल, हाँ हाँ हाँ। देखो बहुत नहीं समझे, बराबर। तो ये बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई कितने घंटे नींद आना चाहिए। देखो अभी रिसेंट स्टडीज जो है, अभी जो स्टडीज है, अभी जो रिसर्च हो रहा है, वो स्टडीज के मुताबिक एक हफ्ते की, एक हफ्ते में 50 घंटे नींद जरूरी, एक घंटे में, सॉरी एक हफ्ते में 50 घंटे, मतलब रोज की कितनी हुई, मिनिमम 7 घंटे, 7 घंटे के ऊपर 5-10 मिनट, है ना। तो 7 घंटे कम से कम नींद होना जरूरी है रोज की, 24 घंटे में 7 घंटे। अभी आप दोपहर को लेते हो कि रात को लेते हो कि शाम को लेते हो, वो बात अलग है, 7 घंटे नींद एवरेज में लेना जरूरी है। ये रिसर्च में पाया गया है कि 7 घंटे से यदि कम नींद आप लेते हो, 7 घंटे से कम नींद है, तो आपका अटेंशन, मतलब ख्याल ख्याल रहना, कोई भी चीज के ऊपर ख्याल आना, अटेंशन, लक्ष्य एकाग्र होना, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, याद रहना, उसमें प्रॉब्लम होता है यदि आपकी स्लीप आप 7 घंटे से कम करते हो। समझो आपने 7 घंटे से कम नींद ले लिया, समझो आपने 6 घंटे नींद ले लिया, तो फिर दूसरे दिन आपने 8 घंटे करना जरूरी है, हफ्ते में 50 घंटे, ये आप रेशो समझ के चलो ब्रिजेश अग्रवाल जी, कि हफ्ते में 50 घंटे आपको नींद लेना है। एक्चुअली उन्होंने स्टडी किया, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, और उनको मालूम पड़ा कि 6 घंटे से यदि कम नींद होती है, 6 घंटे से कम नींद आप लेते हो और पढ़ाई करते हो, तो वो पढ़ाई उतनी पावरफुल होती नहीं है, याददाश्त उतनी अच्छी रहती नहीं है। तो याददाश्त अच्छी रहना है, पावरफुल पढ़ाई होना है, अच्छी याद रहना है, तो आपको 6 घंटे से नींद तो कोई भी हालत में कम करना नहीं, 6 घंटे से कम नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल लोग हैं, एक्सेप्शनल लोग होते हैं कि जो लोग बोलते ठीक है भाई हमको चलता है ना, और उनको पहले से आदत है कि भाई वो कम लेते हैं नींद, एक्सेप्शनल, मतलब मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, आम जनता ने 6 घंटे से कम नींद नहीं लेना चाहिए, और वैसे ही 8 घंटे से ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि 8 घंटे से ज़्यादा नींद आप लेते हो, 8 घंटे से ज़्यादा नींद यदि आप लेते हैं, तो भी आपका अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, याद रहना, इसमें प्रॉब्लम आता है। मतलब कम लेते हो 6 घंटे तभी प्रॉब्लम है, 8 घंटे से ज़्यादा लेते हो तभी प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन, है ना, नर्वसनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई दिया यदि आप 6 घंटे से कम नींद ले रहे थे। तो एवरेज में हमने ये देखा कि 7 घंटे नींद लेना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अभी आप दोपहर को लेते हो, रात को लेते हो, तो ठीक है, एक साथ ले लो तो अच्छा है, ठीक है ना। यस, और क्या सवाल है? हाँ, क्या होता है कि बच्चा जो है, तो बच्चे 24 घंटे में सिर्फ 20 घंटे सोते हैं जन्म के बाद में, बराबर है। जैसे जैसी उम्र बढ़ती जाती है, तो वैसी वैसी नींद धीरे 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 कम हो जाती है। एक 3 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची, वो 8 घंटे 10 घंटे सोती है, फिर धीरे धीरे और नींद कम हो जाती है। और एडल्ट हो गए 18 साल का, तो 18 साल से लेके कम से कम 50-55 साल तक लोगों को 7 घंटे एवरेज में नींद जरूरी है। 55 के बाद में फिर लोगों को थोड़ी सी कम नींद, फिर क्या होता है, एक्टिविटी भी वैसी कम होती है ना, एक्टिविटी कम होती है, कामकाज कम करता है। 58 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 साल में तो एकदम ही काम कम करते हैं, तो फिर नींद कम रही तो भी चलता है, नींद कम आती है लोगों को उम्र के हिसाब से। मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उम्र ज़्यादा हो गई तो कम नींद लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो 60 साल के बाद में नींद 6 घंटे 7 घंटे ऐसे लोगों को आती है, और वो नींद लेना लोगों ने जरूरी है। और आपको सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिन के बाद में आप मिल रहे हैं, डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल, नहीं क्या, बहुत दिन के बाद में मिल रहे हैं हमको। ब्रिजेश बोलो, हाँ पूछो। आपका आवाज, आपका आवाज है ना,
आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, आप वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करके बात करो ताकि समझ में आए। अच्छा हाँ 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 ये कब से हो रहा है? चलो हाँ अच्छा, क्या होता है कि हाँ मतलब सवेरे एक बार नींद खुल गई तो फिर लगती नहीं नींद, बराबर है, बराबर बराबर। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना जरूरी है, आपको बताता हूँ, अभी बताऊंगा मैं क्या क्या करना है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके पहले बता रहा हूँ कि हमारा हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल अकोला में है, हमारा हॉस्पिटल अकोला में है। यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम मानसिक रुग्णों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदार और मानसिक रुग्ण यहाँ भर्ती होते हैं। मानसिक रुग्ण बोलो, शराबी है जिनको शराब की लत है, व्यसन है, फिर मंदबुद्धि के पेशेंट है, फिर बूढ़े लोग हैं जिनको डिमेंशिया हुआ है, आक्रामक पेशेंट है, मारामारी करने वाला है, तो ऐसे वायलेंट पेशेंट हमारे यहाँ लाते हैं और हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। कुछ लोगों के पास में घर में ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हिंसक है, मारपीट करते हैं, वायलेंट है, नींद नहीं आती है, और रिलेटिव उनके साथ में रहने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी बुड़ती है, रोजी रोटी डूबती है, यहाँ रहना पड़े तो दो दो रिश्तेदार रहेंगे तो उनका जो इनकम सोर्स है वो कम हो जाता है, तो वो हमारे यहाँ अकेले पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज हम करते हैं और लोगों को वापस कर देते हैं। फिर दूसरा, इसमें ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको घर में देखने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि आक्रामक होता है, मारपीट करता है, तो कौन देखेगा इसको, कौन पकड़ेगा, तो फिर ऐसे पेशेंट को भी हम भर्ती करते हैं हमारे यहाँ और उनको अकेले भर्ती करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनके साथ में रहने को कोई नहीं है, फिर कुछ लोग बाहर हवा जाना चाहते हैं, फिर ऐसे पेशेंट को बाहर हवा कैसे लेके जाएंगे, तो फिर हमारे यहाँ अंडर्स इनके लिए रखते हैं, बाहर गाँव से आते हैं और फिर पेशेंट को वापस लेके जाते हैं, तो ऐसा भी कार्यक्रम हम करते हैं। तो ये दूसरा जो हॉस्पिटल है, बिना रिश्तेदार हम लोगों को भर्ती करते हैं और एक हॉस्पिटल में रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, ऐसे दो हॉस्पिटल में है। जब हमारे यहाँ ऐसे लोग आते हैं कि जिनको हमारे यहाँ ऐसे लोग आते हैं कि जो नींद के लिए 10-10 गोली खा रहे, मतलब उनकी ऐसी लत बढ़ गई, गोली खाते 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 ऐसी गोली बढ़ गई कि 10-10, 12-12 गोली खा रहे हैं नींद के, उसके से उनको नींद आती नहीं है, तो वो हम उनको क्या करते हैं, उनको हम भर्ती करते हैं और उनको एक ऐसा प्रोग्राम देते हैं कि वो प्रोग्राम में हमको धीरे धीरे नींद की गोलियां कम करते करते 8-10 दिन में 12 दिन में उनको पूरी लत उनकी छुड़वा देते हैं कम्प्लीटली और वो दवाई से ऑफ हो जाते हैं, तो वो भी हम करते हैं। और फिर जिनको नींद नहीं आती है, बिल्कुल ही नींद नहीं आती, तो वो हमारे यहाँ दाखिल होते हैं, हम उनको हिप्नोथेरेपी देते हैं, हिप्नोथेरेपी, हिप्नो काउंसिलिंग, हिप्नोटिज्म देते हैं और फिर उनको भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। तो ये हो गया हॉस्पिटल का सेटअप। और अभी मैं बताता हूँ आपको कि हम क्या क्या करते रहते हैं, मतलब किस तरह का इलाज हम करते हैं, है ना, किस तरह का इलाज करके हम लोगों को इलाज करते बताता हूँ और नींद के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी आइए चालू करता हूँ मैं कि एक्चुअली नींद का क्या है। देखो नंबर एक, अच्छी नींद के लिए आपने एक अपना फिक्स टाइम सोने का होना चाहिए, फिक्स टाइम। यदि आप फिक्स टाइम रखते हो कि भाई 10 बजे मतलब 10 बजे सोने का है, रात को 11 बजे मतलब 11 बजे सोने का है, जो भी आपका टाइम हो, 12 मतलब 12, ऐसा नहीं करना कभी 2 बजे सो रहे कभी 10 बजे सो रहे, फिक्स टाइम रहना चाहिए सोने का और फिक्स टाइम रहना चाहिए उठने का और वो 7 घंटे का रहना चाहिए नींद का टाइम। अब लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती है तो फिक्स टाइम कैसा रखें, तो बताता हूँ आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है ना। नींद नहीं आती, नींद जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नींद सवार है तभी बेड के ऊपर जाने का है, नहीं तो बेड के ऊपर जाने का नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर नींद आई हुई है तभी जाने का है, ऐसा बहुत फ्रेश लग रहा है तो जाने का नहीं बेड के ऊपर, नंबर दो। नंबर तीन, 10 मिनट के ऊपर यदि नींद आपको आती नहीं है बेड में, 10 मिनट बस गिन के, और 10 मिनट में नींद नहीं आई तो बेड में से उठ जाने का है, और बेड में से उठ जाने का है कुर्सी में बैठने का है और फिर कुछ पढ़ाई करने की, बुक्स पढ़ो, पढ़ाई कोई भी आपके विषय की पढ़ाई करो, जो भी ऐसा कोई सीरियस जो होगा वो पढ़ो, मोटिवेशन का नहीं पढ़ने का, जो आपको इंस्पायर करता हो, मोटिवेट करता है ना, ऐसा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बहुत ज़्यादा उत्साह देगा ऐसा नहीं पढ़ने का है, जैसा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, रामायण है, महाभारत है, कोई स्टोरीज है ऐसी, है ना, पंचरत्न है, मतलब ऐसी कोई स्टोरी कहानी जो सीरियस है या फिर आपका पढ़े, तो वो करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। तो 10 मिनट के ऊपर सोने का नहीं है,
10 मिनट नींद नहीं आता, उठ के पढ़ाई करने की। नेक्स्ट, शाम को 5 बजे के बाद में चाय कॉफी ये जो पदार्थ है, नशीले पदार्थ, इसको नशा आती है ना, स्टिमुलेशन होता है चाय कॉफी से, तो चाय कॉफी बीड़ी तंबाकू सिगरेट 5 बजे के बाद में या 6 बजे के बाद में जैसा भी आपको लगता है टोटली बंद करना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना है पान तंबाकू बीड़ी, कुछ नहीं है स्टिमुलेटिंग पदार्थ, कॉफी नहीं लेना है, चाय लेने का नहीं है, एक आप कह रहा दुखी भी 5 के बाद में लेता नहीं, ठीक है। शाम का खाना जो है, शाम का खाना हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेवी डाइट लेके बहुत ज़्यादा पेट भर के फिर बेड पे जाने का नहीं, बहुत ज़्यादा हेवी डाइट नहीं है, और शाम का खाना जो है एकदम हल्का खाना होना चाहिए। दोपहर का खाना खाओ जितना खाना मर्जी उतना दोपहर को खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम का खाना जो है वो हल्का फुल्का होना चाहिए, और शाम का खाना हल्का फुल्का लेने के बाद में जाने का है बेड के ऊपर, वो भी 3 घंटे, मतलब खाना खाने के बाद में 3 घंटे तक बेड पे जाने का नहीं है, या फिर उल्टा जब बेड पे जाने का है उसके 3 घंटा पहले खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना खाया और बेड पे जाके लेट गए, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि भाई खाना जो है वो हल्का खाना है और सोने के 3 घंटे पहले ही खाना खाना है उसके, ऐसा नहीं है कि खाना खा के सोना नहीं है, ठीक है। फिर 3 घंटे के बाद में, मतलब 3 घंटे पहले, नींद के 3 घंटे पहले तब तक पानी पीना है, उसके बाद में पानी नहीं पीने का, खाना नहीं खाने का, कुछ भी नहीं करना, या 3 घंटे के पहले पानी पीते बाद में पानी पीने सब बंद कर देने का है, और एकदम बेड के ऊपर जाने के पहले पेशाब वगैरह करके आने का है। मतलब क्या है कि आपको रात को नींद में पेशाब नहीं आएंगे, नींद में पेशाब नहीं आएंगे, उठना नहीं पड़ेगा, नींद टूटेगी नहीं। तो 3 घंटा पहले यदि आप पानी वगैरह पीना बंद कर देते हो, खाना बंद पीना बंद, तो बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना सा दूध पियो करके, वही कोई लोगों की हैबिट है तो दूध पीते हैं, एक ग्लास दूध पी लेते हैं या एक कप दूध लेते हैं बड़ा कप, और थोड़ी शक्कर डाल के दूध पीते हैं, तो उससे लोगों को अच्छी नींद आती है, तो वह कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ लोगों को स्नान करके अच्छी नींद आती है, तो गुनगुना सा पानी है, स्नान कर रहे हैं और उससे नींद लोगों को आती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। रात को व्हाट्सएप, मतलब एक आपका 10 का टाइम है, तो रात को 9 बजे के बाद में व्हाट्सएप बंद, यूट्यूब बंद, फिर फेसबुक बंद, ये सब जो भी कुछ चीज़ें हैं सोशल मीडिया वाली, सब ये चीज़ें आपने बंद करने का है, वो कभी भी आपने चालू करने का नहीं है, क्योंकि उसमें क्या क्या मटेरियल आता है वो आपको एक्साइट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और फिर आपको नींद आएगी नहीं, तो फिर वो आपने बंद करना है रात को 9 बजे या 10, जो भी आपका टाइम है नींद का, उसके 2 घंटे पहले आपने बंद करने का, ठीक है ना, जाने का नहीं 2 घंटे पहले, राइट। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, सोशल मीडिया सभी 2 घंटा पहले आपने बंद करने का है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ऐसा मैं समझता हूँ, किसी ने लिखा है कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है सबको मेरी, तो ऐसा बता दो अंगूठा, आ रही ना आवाज़, ठीक है, आ रही बोलते सब, ठीक है, ओके, आ रही, ठीक है, आ रही, हाँ करूँगी करो, हाँ तो हाँ पूछो, हाँ 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 ठीक है ना, मैं जो बोलता हूँ अभी आप ये करके देखो, जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ ये करके देखो, फिर हम बात करेंगे और, तो आपको ये अभी तक जो बोला हो समझ में आ गया है शायद, है ना, मैं अभी तक जो मैंने बोला, हाँ। फिर क्या है इसमें कि जैसा कोई भी चीज आपके दिमाग में यदि है, मतलब कैसा है कि भाई झगड़ा हो गया किसी के साथ में, फिर झंझट हो गई, घर में कोई वादावादी है, डिबेट घर में हो गया, बच्चों के साथ में, पति पत्नी में आपस में कुछ तो भी हो गया, तो ऐसा दिमाग में सब तनातनी लेके बेड के ऊपर जाने का नहीं है ना, जो भी है वो कंप्लीट कर लेने का, बात कर लेने के है ना, जो भी कुछ बोलना है वो बोल देने का है, दिमाग में तनाव लेके कि सारा झंझट करके झगड़ा करके किसको तो भी बोलना है, अपने को बुरा लग गया उसको बोलने का, तो ये शेयर करना है, ऐसा आप शेयर कर सकते किसके साथ में कि नहीं मेरा दिमाग है ना ठीक नहीं, मेरा उसके साथ में झंझट हो गई, मेरा दिमाग ठीक नहीं, घर में शेयर करो, घर में ऐसी झंझट झगड़ा हो गया तो घर में बताओ, आपस में शेयर करो। और यदि वो आपको कुछ कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है मतलब वो काम आधा अधूरा है, तो वो एक डायरी में लिखो कि कल ये मैं काम करूँगा, कल 11 बजे ये काम करूँगा, 12 बजे ये काम करूँगा, ऐसा मतलब दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, अरे कल करना है कल करना है, ऐसा कीड़ा कांडी दिमाग में घूमेंगी नहीं, तो कल कौन सा काम करने वाले हैं वो आपने
एक डायरी में लिख लो, ये दिमाग में चलता रहा हो, कल करना है, कल करना है, कल करना है, तो कल का नाम, कल का काम लिख लो, ताकि वो आएगा नहीं दिमाग में और आपको आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी इनकम्प्लीशन है, समझो आपका गुस्सा है, अपराधीपन की भावना है, आपके मन में कोई गिल्ट फीलिंग है, अपराधीपन की भावना है, आप अपसेट हो गए हो, है ना, चिड़चिड़े हो गए हो, अपसेट हो गए हो, फिर पश्चाताप हो रहा है, कोई किसी के बारे में पश्चाताप है, दुख है मन में, चिंता है, तो ऐसे जो इमोशंस है, ये इमोशन लेके गद्दी के ऊपर जाने का नहीं है। क्योंकि आप जब गद्दी के ऊपर, बेड के ऊपर ऐसे इमोशंस लेके जाएंगे, दिमाग में आधा अधूरा रख के जाएंगे, तो आपको नींद अच्छी आने वाली है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हम लोगों को बोलते हैं भाई हिप्नोथेरेपी करो, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी मतलब सम्मोहन उपचार। मैं लोगों को रिलैक्स करने के लिए सिखाता हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाता हूँ, और सेल्फ हिप्नोसिस सिखा के रिलैक्स, बेड पे रखना है, सोने का है, रिलैक्स, और रिलैक्स होके अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने के, है ना, पॉजिटिव अफर्मेशन देने के अपने आप को, और पॉजिटिव अफर्मेशन देके, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देके पड़े रहना है, नींद आ जाए, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं सेल्फ हिप्नोसिस, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो नेक्स्ट, बेड का उपयोग, बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए और सेक्स के लिए, दो ही चीज़ों के लिए बेड का इस्तेमाल होगा। बेड का इस्तेमाल सभी के लिए नहीं होगा, मतलब बेड पे जा रहे हैं तो व्हाट्सएप चालू है, फेसबुक चालू है, किताबें है, टीवी देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी बेड के ऊपर करने का है नहीं। बेड के ऊपर जो है वो हरदम आपको ये करना है कि भाई बेड का सेक्स और नींद, बस इसके लिए बेड का उपयोग, बाकी नहीं होगा, हरदम ये ख्याल रखो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ब्रेन का कंडीशनिंग होता है। फिर कमरे में, रूम में कोई भी आवाज नहीं आएगी, ऐसा इस्तेमाल करो, कोई भी आवाज नहीं आने को, मतलब समझो ऐसा आप सोए हैं तो वो कमरे में टीवी चालू है, बच्चों की आवाज है, फिर आपके घर में पालतू जानवर होंगे तो वो आ रहे, बिल्ली है पालतू, कुत्ता है पालतू, तो वो आ रहा है, जा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी नहीं होना। बच्चे नहीं है ना, गड़बड़ मतलब ऐसे नहीं, झंझट हो रही है, ऐसा कुछ भी आवाज नहीं होना, तो फिर आपको अच्छी नींद आएगी। उसके साथ साथ टीवी चालू नहीं होना, है ना, टीवी चालू रहे तो कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो भी चालू रहने को नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये आप करते हैं तो काफी होता है, कुछ कुछ लोगों को है ना, स्नान करके, जैसा मैंने बोला स्नान करके होता है, अच्छी नींद आती है। मगर ये ख्याल में रखना है कि आपको शाम को 6 के बाद में एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होता है, आप एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, कसरत करते हो, तो वो करने के बाद में एक्साइटमेंट होता है दिमाग, और जैसा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, डोपामिन सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो शाम को 6 के बाद में आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज बंद, शाम को 6 के बाद एक्सरसाइज खत्म, सवेरे करना कि दोपहर को करना चाहिए, ताकि नींद में डिस्टर्ब नहीं हो। वैसे स्टिम्युलेटिंग चीज़ें जो है ना रात को खाने के लिए, जो चीज़ों में डोपामिन सिक्रेशन ज़्यादा होता है, वो चीज़ें, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन सिक्रेशन ज़्यादा होता है, वो कौन से इसमें होता है, पिक्चर देख के आया है, हॉरर मूवी देख के आया है, या टीवी के ऊपर हॉरर मूवी देख रहे हैं, है ना, फिर फेसबुक में कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जो एकदम हॉरर पैदा करने वाला है, या कोई यूट्यूब पे देख रहे हॉरर थिंग्स, या वीडियोस देख रहे हैं सेक्स के वीडियोस, ब्लू फिल्म के वीडियोस, मतलब ऐसे वीडियोस आप देख रहे हैं, तो ये सब वीडियो जो है वो आपको एक्साइटमेंट देते हैं और बाद में नींद आती नहीं है। तो ये भी हमको देखना है कि नींद कैसे है ना। तो ये चीज़ें आप अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छी नींद आएगी। अभी और एक बताता हूँ मैं मौका, अपना एक और एक तरीका, कि आप बेड पर जब लेटते हो, बेड पे लेटते हो, तो आपने क्या सोचना है कि आप समुद्र के किनारे हैं, आपने सोचना है कि आप समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे आप रेत में हैं, और रेत में जब है आंखों में आप आंखें बंद कर रहे हैं, एक आपके हाथ में लकड़ी है छोटी, और वो लकड़ी से आप वहाँ 100 का आंकड़ा लिख रहे हैं, रेत में 100 का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 100 का आंकड़ा लिखा हुआ, 100 का आंकड़ा लिखा हुआ है, पानी की लहर आ गई, पानी की लहर आने के बाद में वो जो रेत थी, बालू है ना, सैंड, उसको वो बहा के लेके, तो वो 100 का आंकड़ा जो था वो मिट गया, फिर वो मिट गया, फिर आपने लिखना है 99, फिर 99 लिखा, फिर पानी आ रहा है, लहर आ गई पानी की, फिर वो लेकर चली गई,
फिर लिखना है 98, फिर आ गई, फिर चली गई। ऐसा आप ये करते रहेंगे तो आपको नींद कब आएंगी मालूम ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ख्याल कहाँ है फिर, वो काउंटिंग में है, और जो विचार चालू थे वो विचार शांत हो जाएंगे। तो मैं थोड़े क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, फिर बाकी मुझे जो बोलना है बोलता हूँ। यस, कोई सवाल जवाब करो, इसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अपने आप को आप म्यूट करो, याद ऊपर करो राजेंद्र कुमार या रूप कुमार। राजेंद्र कुमार को मैं अनम्यूट करता हूँ। राजेंद्र कुमार, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए राजेंद्र कुमार। हाँ जी बोलिए, बोलिए राजेंद्र कुमार। इकड़ ना, एक 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 खड़ा। हाँ हाँ सुने आ रहा है। हाँ ठीक है ना, तो इतना दिन अभी अपने को कम बराबर, अभी आपको नींद आपकी कम करने के, तो अभी आप क्या करो कि आपको एक समय उठने का पक्का करो, कि वो कोई भी हालत में आपको सवेरे कितने बजे उठते हो आप, सवेरे कितने बजे उठते हैं राजेंद्र कुमार? हाँ राजेंद्र कुमार सवेरे कितने बजे उठते हैं? अनम्यूट नहीं करा ना, आप बोलते है कि नहीं यार, अनम्यूट नहीं। राजेंद्र कुमार कितने बजे उठते हैं? ठीक है ना, तो अभी मैंने जो आपको बताया नुस्खे वो आपने करने के, ये करके देखो। ठीक है, सुनीता, सुनीता बताइए, सुनीता, सुनीता बोलो। एक यूट्यूबर है नेपाल का। हाँ बोले नहीं, यस ठीक है, हरकत नहीं है, हरकत नहीं है। अभी जो थॉट का आपको जो प्रॉब्लम है, थॉट आ रहे हैं है ना, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, हरकत नहीं। अभी जो मैंने बताया करके देखो अभी आप, है ना, इसमें से करके देखो, देखो आपको क्या फायदा होगा, बराबर ठीक है ना। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये आप करो, ठीक है ना, उससे आपको फायदा होगा, फिर हम और चर्चा करेंगे, और कोई जब इसमें आएंगे आप तो फायदा होगा। देखो एक्सरसाइज आप करते हैं ना, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज से बहुत फायदा हो जाता है, आपको नींद अच्छी आएंगे। तो एक्सरसाइज सुबह सुबह करना चाहिए या दोपहर को करना चाहिए, शाम को 6 बजे के बाद में एक्सरसाइज करना नहीं है। हाँ बोलिए, हाँ यस बोलो, नाम बोलो और बोलो, बोलो। हाँ बोला गोपाल, तो लवकर जेवण करायचं, मी आता काय म्हटलं 3 तास अगोदर जेवण करायचं गोपाल, हाँ 3 तास अगोदर गोळ्या घ्यायच्या आणि जेवण पण 3 तास अगोदर करायचं। काय म्हणते काय, देखो मैं भी हिंदी में बताता हूँ, तो बाकी काफी बाहर के लोग है। तो देखो अभी आपने बताया कि नींद 10-12 घंटे आपको आती है, तो जब ज़्यादा नींद आ रही है ना, तो आपने 2-3 चीज़ें करना चाहिए। नंबर एक, आपकी आपकी जांच करना जरूरी है ब्लड की, तो ये थायराइड की प्रॉब्लम है क्या, मिक्सिडीमा है क्या, थायराइड डिसीज है क्या, डायबिटीज़ है क्या, या कोई और अन्य कोई बीमारी है क्या कि जिसकी वजह से अपने को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना। तो वो बीमारी पहले मतलब सभी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, कि बाकी कोई फिजिकल बीमारी है, शारीरिक बीमारी कुछ है क्या जिसकी वजह से अपने को ज़्यादा नींद आ रही है। और वो यदि कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, फिर आपने इतना सोने कहीं नहीं, आपने क्या करना है कि सवेरे उठने का टाइम पक्का कर लो, कि नहीं भाई मैं सवेरे 7 बजे उठूंगा, कितने भी बजे सोऊंगा तभी 7 बजे उठने का, और दिन भर सोने का नहीं, कोई भी हालत, कोई भी हालत में दिन भर सोने का नहीं। नींद कब, नींद कब, नींद कब नहीं आती है, नींद कब आती नहीं, नींद अभी 10 बजे आप सोए, अरे भाई 10 बजे नींद आप सोए, 10 बजे तो नींद 10 बजे नहीं आती क्या? हाँ कितने बजे आती है नींद, कितने बजे आती है? हाँ तो मैंने अभी क्या बोला, क्या करना चाहिए बताओ जरा, क्या क्या करना चाहिए मैंने बोला, नींद नहीं आती है तो मैंने बोला बेड के ऊपर आप सोते हैं, लेटते हैं, तो लेटने के बाद 10 मिनट के अंदर नींद आना चाहिए, और वो नींद नहीं आती है तो क्या करना चाहिए मैंने बताया, बोलो। हाँ तो फिर मैं डबल डबल कैसे बताऊँगा, कौन बताएगा? मैंने ये बोला, चलो शॉर्ट में बताता हूँ, मैंने ये बोला कि 10 मिनट तक यदि, सुनो 10 मिनट तक यदि आपको नींद आती नहीं है लेटने के बाद में, तो 10 मिनट के ऊपर गद्दी पर लेट के रहने का नहीं है, तुरंत उठने का है और उठ के किताब पढ़ना है। और किताब कौन सी, जो किताब बोरिंग है, बोरिंग है, साइंस की किताब है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई मैथमेटिक्स करना है, ऐसा कोई जो बोरिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ने का है,
कोई नया सीखने का है तो सीखो, कुछ सीखना है तो आपको जो बोरिंग लगता है तो फिर क्या है उसमें नींद आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। तो अभी मैंने मैंने अभी जो बोला वो करो, अभी जो बोला मैंने ये सेशन है ना, वो करेंगे तो होगा। हाँ यस हाँ प्रभाकर जी बोलो। देखो सही गलत कुछ भी नहीं है, आपको कैसी हैबिट है इसके ऊपर है ना। हैबिट कैसी है, आपने कैसी हैबिट डाली हुई है, बराबर है ना। नहीं देखो नींद आप सोते हैं मतलब कोई मरते नहीं है, है ना, आप जीवित है, ब्रेन चालू है, ब्रेन में जो थॉट मशीनरी है ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी एटीएम है ब्रेन में, एटीएम ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, तो वो चालू है। नींद में क्या होता है, नींद में सब सेटल हो जाते थॉट्स, दिन भर में जो भी कुछ हुआ, दिन भर कल परसों नरसों जो भी कुछ हुआ उसको सेटिंग किया जाता है। सेटिंग किया जाता मतलब कैसा होता है कि समझो आप मॉल में गए, मॉल में गए, मॉल में आपने चावल खरीदा, आपने गेहूँ खरीदा, मॉल में आपने जाम खरीद लिया, मॉल में आपने सब्जी खरीदा, मॉल में कोई कपड़े खरीदे, मॉल में मसाला लाया, मॉल में मिर्ची लाया, मॉल में से ऐसे बहुत सारे गाड़ी भर सामान आपने मॉल में से लाया, मॉल में से सामान लाने के बाद में आप घर के अंदर लाए, अब क्या करते हो आप, सब सामान लाए उसमें कपड़े भी है, मसाला भी है, मिर्ची भी है, जाम भी है ना, गेहूँ भी है, आटा भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, तब क्या करते घर में आने के बाद में सब अपने अपने ठिकाने पर लगाते उसको, जहाँ जहाँ जो रखना है वो चीज़ें सब रख देते हैं। नींद में वही होता है, नींद में जैसा मॉल में से आ गए दिन भर के, अब नींद में सब चीज़ें ठिकाने पर लगा देता है ब्रेन, जिसको जिसको जहाँ, तो मेमोरी का जो कंसोलिडेशन है, मेमोरी का वो कंसोलिडेशन हो जाता है कि कौन सी मेमोरी कहाँ रखना, कौन से थॉट कहाँ रखना, कौन से थॉट कहाँ रखना, ऐसा सब कंसल्टेशन होते रहता है, ठीक है ना। अपूरे थॉट जो है, अपूरे मतलब इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट थॉट जो है, इसलिए मैंने बोला कि इनकम्प्लीशन लेके सोने का नहीं, इनकम्प्लीशन लेके बेड पर जाने का नहीं। इनकम्प्लीशन मतलब आधा अधूरा, जो विचार चालू है समझो पूरे हो सकते नहीं आज, कॉपी में लिखो डायरी में कि ये मैं कल पूरा करूँगा, किसके साथ में बातचीत करनी है अभी कर सकते हैं अभी कर लो, ये तो कल का टाइम लिख लो कि कल मैं इतने बजे इनसे बात करूंगा, जो भी है वो दिन कंप्लीट करने का है, कंप्लीशन। हाँ जी थैंक यू यस बराबर हाँ ठीक है ना। तो हाँ हाँ आवाज आ रही, तो आपने बोला कि हाँ, तो आपने बोला ये सोशल एंग्जाइटी, आपने बोला ये सोशल एंग्जाइटी है ना, सोशल एंग्जाइटी है, मुझे समझ में आ गया कि आपको सोशल एंग्जाइटी है और आपके सारे बहुत सारे विचार है सब समझ में आ गया। मैं सोशल एंग्जाइटी के लिए और एक अलग से लेक्चर लूँगा जिसमें आप सोशल एंग्जाइटी के इसमें बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे स्पेशली नींद के बारे में, है ना, मैं सोशल एंग्जाइटी के बारे में बात करूँगा, ठीक है। देखो मेरे वीडियोज़ में आपको ये सब मिल जाएगा, वैसे मेरे जो यूट्यूब पर वीडियो है, बार बार आपको क्या करना है कि म्यूट पर जाने का, बार बार म्यूट पे जाके म्यूट करने का है लोगों को। हाँ हाँ तो आपने सवाल किया कि सपने बंद, एक क्षण तो बिल्कुल करा थी टिकट मैंने करा थी, सपने आते हैं आपको और सपने बंद करने के लिए क्या करना है। देखो सपना आना ये अच्छी बात है, सपने आना कोई बुरा नहीं है, सभी लोगों को जब आप 7 घंटे नींद लेते हो ना 7 घंटे की, तो 7 घंटे में ऐसा समझ के चलो कि एक तिहाई नींद, एक तिहाई मतलब 2-2.25 घंटे की नींद जो है वो सपनों की होती है, और 4.5-5 घंटे की नींद जो है वो बिना सपनों की होती है। दो प्रकार की नींद होती है, एक होती है सपनों की नींद, एक होती है बिना सपनों की नींद। जब सपनों की नींद ज़्यादा हो जाती है, सपनों की नींद जब ज़्यादा हो जाती है तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन सोए नहीं, सपने चालू थे, इसलिए सिर्फ सपनों की नींद आके फायदा नहीं है। नींद आती है आपको, नींद आती नहीं ऐसा नहीं, नींद आती है मगर वो ऐसा लगता है कि भाई सपने पूरे आ गए, नींद अपने को आई नहीं। सपने आना कोई बुरी बात नहीं, सपने इसलिए आते हैं कि आपके लाइफ में इनकम्प्लीशन है, तो सपने आना कोई बुरी बात नहीं है, सपने आने दो। सिर्फ इतना ही है कि सपने वाली नींद जो है वो 2-2.5 घंटे की होना है,
बिना सपने की नींद, 5-5.5 घंटे की, 4.5 घंटे की, ऐसी होना है अप्रॉक्सीमेटली, और वो आती है तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम आपके लाइफ में। आप इस तरह के जीते हो, जीवन जीते हो कि भाई मेरे लाइफ में कुछ भी इनकम्प्लीट रहेगा नहीं। देखो बच्चा सोता है, समझे आप समझ के चलो कि 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको कोई चिंता है 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को? मस्त खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है, बेड पे जाता है और सो जाता है। ऐसा कभी बोलता है बच्चा 3 साल का, 4 साल का, मेरे को नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, ऐसा बोलते नहीं, बहुत कम, हार्डली। क्यों? क्योंकि उनको कोई चिंता ही नहीं, सब ठीक, भूल जाता है। तो हमको बच्चा बनना पड़ेगा, हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलना है बच्चे जैसा। तो ये बच्चा है, मस्त मजा करना है, फर्स्ट क्लास कंप्लीट करना है। और कंप्लीट आप करेंगे सभी कुछ, दिमाग में रखेंगे नहीं, चालू है दिमाग में टेंशन टेंशन स्ट्रेस, इसका टेंशन उसका टेंशन, तो होगा नहीं। आपने कभी आपके बिजनेस का टेंशन घर में लाने का नहीं, बिजनेस का टेंशन कभी भी घर में लाने का नहीं है। बिजनेस का टेंशन जो है वो घर के बाहर। एक हमारे यहाँ प्लम्बर था, तो उसने वो शेयर कर रहा था, बोले मैं प्लम्बिंग का सब मटेरियल, मतलब नल पाइप सब पाइपलाइन दुरुस्त करने के लिए बाहर जाता हूँ, तो फिर जब मैं घर पे जाता हूँ तो मेरी थैली मेरे पास में रहती है, जो थैली घर के बाहर उसने एक हुक लगा के रखा हुआ है, जब वो घर पे जाता है तो वो हुक को वो थैली लगा देता है, वो प्लम्बर। तो भाई ये बिजनेस बाहर, ये घर की थैली बाहर, वो बाहर लगा दिया और बाद में फिर घर के अंदर प्रवेश करना है। यानी बिजनेस का टेंशन कोई भी घर में लाने का नहीं, वो सब बाहर है। और घर का टेंशन कोई भी बिजनेस में लाने का नहीं, वो अलग है। ऐसे आपको कंपार्टमेंटलाइज्ड जीवन जीने आना चाहिए, कंपार्टमेंटलाइज। वो कंपार्टमेंट अलग है बाहर का, ये घर का कंपार्टमेंट अलग है। तो देखो बच्चे से जीना है क्या, बच्चे की जैसे, ठीक है? यस, और कोई सवाल? ज्योति, हाँ यस बोलिए। हाँ एक मिनट, आपको पहले ओप्पो जिसका नंबर है ना, ओप्पो जिनका नंबर है, क्या नाम है उनको पता नहीं, हाँ बोलिए। देखो ऐसा है कि स्किज़ोफ्रेनिया जब है तब हमको उसका इलाज करना जरूरी है, ठीक है ना? अभी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया मतलब मन का कैंसर है, स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कैंसर है, मन का कैंसर, अभी उसको दवाई लेना जरूरी है। अभी समझो पेशेंट खुद तैयार नहीं है दवाई लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि उनको इंजेक्शन देते हैं, 1 महीने में एक ही इंजेक्शन आपको लेना है और उसका असर महीने भर चलता है। तो मैं वो इंजेक्शन दूंगा, उसका असर महीने भर चलेगा, 1 महीने में एक इंजेक्शन देने का है, ठीक है ना? आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे से कंसल्टेशन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। हमारे असिस्टेंट जो है वो ये इसके ऊपर है, ये कॉल के ऊपर है, वो आपको लिंक भेजेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट ले लो, हमारे काउंसिलर्स है वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, वो काउंसिलर से मेरी अपॉइंटमेंट ले लो और मैं आपको पूरी उनकी स्टडी करूंगा और वो स्टडी करके आपको मैं दवाई बताऊंगा, कौन सा इंजेक्शन है बताऊंगा, ठीक है ना? तो आपको इसमें शेयर किया हुआ है, यहाँ हमारे जो लोग हैं वो ये अभी कॉल के ऊपर आपको ये देंगे। देखो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो है ना, उसको खुद को ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, प्रॉब्लम ये है। हाँ तो उनको लगता है कि मेरे को कुछ हुआ नहीं। अब आपको कुछ हुआ ही नहीं ऐसा बोल रहा है तो वो ऐसा दवाई लेगा? वो दवाई लेता नहीं। आपको लग रहा है कि तकलीफ है, फिर आपको लग रहा है तकलीफ है तो फिर आपने दवाई लेना चाहिए उनको, जबरदस्ती करनी पड़ेगी और जबरदस्ती करके आपको दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मैंने लिंक भेजी हुई, लिंक पटोने का लिंक भेजी हुई है, वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करके भेज सकते हो। ये नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो और आपको उसमें माहिती मिल जाएंगी और आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, ऑनलाइन वीडियो कॉल, सुनो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो, कि हम ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करते हैं।
मतलब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रही है? ओप्पो ओपन नहीं करा था ना, ओप्पो में ओप्पो चालू है कि नहीं? हाँ, कहाँ से बात कर रही है आप? बंद नहीं करा ना करना, हाँ अल्लाहाबाद से बात कर रही है, ठीक है। तो मेरा कंसल्टेशन है, हम क्या करते हैं कि लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, है ना, वीडियो कॉल करके लोगों को कंसल्टेशन देते हैं। तो उसमें मैं उनको देख लूँगा, है ना, या फिर आपसे और डिटेल में बात करके आपको मैं दवाई भेज दूँगा। आप दवाई एक तो यहाँ से ले लो या वहाँ खरीद ले लो, और वो इंजेक्शन भी दे दूँगा, ठीक है ना। उनकी उम्र कितनी है? 42, ठीक है। दूसरा हमारे क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को सेक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो सेक्स के प्रॉब्लम्स वाले लोग भी हमारा कंसल्टेशन देते हैं। नपुंसकत्व है, शीघ्र पतन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फिर मास्टरबेशन, मतलब हस्तमैथुन की आदत है कि वो हस्तमैथुन की आदत से वो परेशान है, फिर नाइट फॉल हो रहा है, हस्तमैथुन है, नाइट फॉल से कमजोरी आई हुई है, काफ़ी लोगों को वीकनेस है ना, सेक्स पावर बढ़ाना है, दवाइयों की आदत लगी, ऐसे बहुत सारे सेक्स सॉल्यूशंस हम देते हैं लोगों को, और वो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है। तो आपको वो चाहिए तो हम दवाई के साथ साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कॉल करके जो भी कोई सेक्स की बीमारी है उसके बारे में भी हम कंसल्टेशन करते हैं। वैसे ही जिनको, हाँ जी, हाँ नहीं कुछ नहीं होगा, ये जो मैं इंजेक्शन बोल रहा हूँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, है ना, जो भी है मामूली होंगे, उससे कुछ ऐसा खतरे वाली बात नहीं है, है ना, कोई खतरा नहीं होगा, हो सकता है जो दवा देंगे आप, तो ये तो अकोला लेके आ जाओ, अलाहाबाद से अकोला में आके पेशेंट को लेके आ जाओ, यहाँ उनको 10-12 दिन रखेंगे, उनका इलाज करेंगे, इंजेक्शन, सलाइन, गोलियाँ, दवाई सब देंगे। 10-12 दिन आप पैर से आ जाओ, यहाँ उनको रखेंगे, उनका इलाज करेंगे। जैसे अभी ट्रेन चालू हो जाएगी ना, अभी ट्रेन शुरू हो जाएंगी, आ जाओ या कार करके आ जाओ अल्लाहाबाद से। लोग काफ़ी पूरे इंडिया भर से हमारे यहाँ आते हैं अकोला। ये अकोला हमारा जो है वो नागपुर के पास में है, नागपुर आप आएंगे ना, नागपुर से आपको नज़दीक पड़ेगा अकोला, या बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे से आ सकते हैं अकोला, ठीक है ना, या भुसावल से आ सकते हैं अकोला, राइट। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, ज्योति रंजन, हाँ ज्योति रंजन बोलो, हाँ जी बोलिए, बराबर। तो ये मैं आपको है ना दवाई दूंगा, और दवाई के साथ साथ मैं आपको हिप्नोथेरेपी करूंगा, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म में हम क्या करते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अंतर्मन, उसको पावरफुल बनाते हैं, है ना, उसको पावरफुल बनाते हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको, और वो पावरफुल बना के फिर या उसको रिलैक्स करवाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उसमें टेंशन है तभी आपको तकलीफ होगी, वो कमजोर है, जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है, सोशल एंग्जाइटी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है, ये सभी के लिए हम क्या करते हैं, ये सभी के लिए हम हिप्नोथेरेपी करते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, अव्यक्त मन है, अंतर मन है, उसको पावरफुल बनाते हैं हिप्नोटिज्म से, और आपका इलाज करते हैं, आपको अच्छा कर लेते हैं। तो ये जो है माइग्रेन, ये हिप्नोटिज्म से, माइग्रेन जैसा लगता है, माइग्रेन नहीं होगा तो माइग्रेन जैसा है वो भी आपको ये हिप्नोथेरेपी से अच्छा हो जाए, है ना। यस यस बोलिए, हाँ यस, हाँ, ये क्या है मालूम है क्या कि, हाँ आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम लगता है, आपको इरिटेबल शिवांग मलिक ना, शिवांग है ना, कहाँ से है आप शिवांग, कहाँ से हो? हाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर यूपी, ठीक है। तो ये आपको लगता है कि आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है ना, और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के लिए हमारे पास में 3 तरह का इलाज है। एक है हम मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ, दूसरा हमारे पास में इंजेक्शन है वो देते हैं, और तीसरा हिप्नोथेरेपी है वो देते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ जो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो ग्रुप में हमारा नाम चलता है, वो चर्चा करते हैं और यहाँ लोगों को भेजते रहते हैं, IBS के लोग। हाँ हाँ गुड गुड, आ जाओ फिर यहाँ इलाज करवा देंगे आपको, कोई चिंता ना करो, ठीक है। यस, और कौन है? 2020 इसका नंबर है, हाँ 2020,
हाँ जी हाँ यस हाँ टेंशन हाँ हाँ देखो और एक बताता हूँ मैं आपको सभी को कि देखो आपको जो सोचने की बीमारी है सोचने की बीमारी तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो मशीनरी है ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी उसको मैं बोलता हूँ ATM ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी ATM तो ATM का काम है नेगेटिव थॉट्स पैदा करना उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स ANT ANT मतलब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स एंट ATM का काम क्या है एंट देखो आपके पास में वॉशिंग मशीन होगी वॉशिंग मशीन का काम क्या है वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धोना वैसा ये थॉट मशीन का काम क्या है थॉट पैदा करना तो ये थॉट मशीन का काम थॉट पैदा करना है ये थॉट मशीन थॉट पैदा करते रहती है और थॉट पैदा करते 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 आपको तंग करती है क्योंकि सब थॉट्स उसके निगेटिव अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि भाई जो भी थॉट्स आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक थॉट है ऑटोमेटिक है आपका कोई कंट्रोल है नहीं कोई कंट्रोल नहीं आपका ये ऑटोमेटिक थॉट के ऊपर आपको क्या करने का है आपको ये करने का है कि वो थॉट के तरफ ख्याल देने का नहीं है उसको निगलेक्ट करने का है उसको इग्नोर करने का है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ठीक है ना तो थॉट दिमाग में जो आते रहते हैं वो थॉट को निगलेक्ट करना इग्नोर करना उसके तरफ ख्याल देने का नहीं उसको महत्व देने का नहीं वो करना जरूरी है ठीक है ना ऑटोमेटिक चलो 500-600 शब्द हम एक मिनट में अपने आप से बोलते हैं अपने आप में दिमाग में चलो मैंने ऐसा करना चाहिए मैंने वैसे करना चाहिए ये अच्छा है वो बुरा है उसने मुझे ऐसा क्यों बोला उसने मुझे वैसा क्यों बोला या ऐसा होता था अच्छा होता था ये कोरोना आया क्यों ये लॉकडाउन कब खुलेगा ये लॉकडाउन क्यों बंद नहीं कर रहे ये बढ़ाया क्यों है अरे उसको कोरोना हुआ इसको कोरोना क्यों नहीं हुआ मगर ऐसा हुआ ही कैसे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था ये वैसा होना चाहिए था वो ऐसा अगोमना क्यों कर रहा है उसको गुस्सा क्यों आया ये मोदी ने ऐसा क्यों किया ये मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया मेरे पत्नी ने ऐसा क्यों किया वो अच्छा मेरे से बिहेव नहीं करता वो मेरे से बुरा बिहेव करता है चालू है कंटिन्यू थॉट है ना तो लक्ष्य में लक्ष्य ढेर था ना तो बहुत बहुत धन्यवाद 8 बजे बज चुके हैं हमारे यहाँ ऐसा और भी करते हैं कि लोगों को हम बिजनेस कुछ कुछ हमारे पेशेंट है बिजनेस प्रॉब्लम्स आए हुए हैं कोरोना में अभी बिजनेस लोगों के चौपट हो चुके हैं सबको चौपट हो गए लोगों को प्रॉब्लम है तो हम बिजनेस कोचिंग भी हम करते हैं बिजनेस लोगों को कोचिंग देते हैं पर्सनल कोचिंग देते हैं क्योंकि तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कोरोना के वजह से लोगों को हुआ है सेक्स के प्रॉब्लम है नपुंसकत्व है सेक्स लैंगिक समस्या है जल्दी प्री मैच्योर इजैकुलेशन है अर्ली डिस्चार्ज नींद नहीं आना है फिर शराबी है गांजा ब्राउन शुगर अफीम मॉर्फिन पेथिडिन इसका एडिक्शन है और सब तरह की मानसिक बीमारियाँ हैं तो इसके लिए ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन वीडियो कॉल आपको आने की जरूरत नहीं है घर पे आपको दवाई पहुंच जाएंगी और आपको ऐसा लगता है कि घर में रखना मुश्किल है पेशेंट को तो आप हमारे यहाँ आके भर्ती कर सकते हैं ये इस तरह के हम वीडियोस हमारा मतलब इस तरह का कॉल हम ज़्यादातर बुधवार को रखते हैं वेनसडे को अगले वेनसडे को आपसे मिलेंगे टॉपिक अनाउंस करेंगे अगले वेनसडे भी 7 बजे आप तैयार रहिएगा आपके मर्जी का टॉपिक हम लाएंगे यदि आपको चाहिए तो आप ज़रूर हमारे नंबर के ऊपर जो टॉपिक चाहिए उसके बारे में लिखेंगे तो हम वो टॉपिक लेके आपके तरफ आएंगे अगले वेनसडे को ठीक है ना तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सबको बहुत बहुत शुक्रिया आपने आए और आके यहाँ ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थैंक यू वेरी मच ये हम सब यूट्यूब पे डाला हुआ है तो ये यूट्यूब पे आप वीडियो सुन सकते हैं और ये आप रिवाइज कर सकते हैं जो भी आपको याद रहा ठीक है नहीं याद रहा तो आप यूट्यूब पे देख लो इसको हमारा यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो मेरा अभी यूट्यूब चैनल बीच में हैक हो गया सेक्स सॉल्यूशन का एक चैनल हैक हो गया तो वो तो चले गए किसने तो भी चुराया और एक चैनल चालू है
जैसे और दो चैनल चालू है वो चैनल के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।